हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देखा है ये है इंग्लिश फॉर जेके एस एस बी क्लास फ़ोर ट्वेंटी एम सी क्यूज ट्वेंटी मार्क्स यानी कि जो आपको एग्ज़ाम में ट्वेंटी मार्क्स की इंग्लिश सेक्शन पूरी आती है वो ही सेक्शन आज दोस्तों उसके ऊपर एक पूरा सेट है ट्वेंटी एम सी क्यूज ट्वेंटी क्वेश्चन का तो ऑप्शन भी आपको मिलेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको क्लास फोर एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपको एम सब कुछ दिखता रहेगा यहाँ पर तो आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रापोजिशन प्रेपोजिशन के बेस पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है आई प्रेफर आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग डैश रनिंग ऑप्शन दिख रहे हैं दैन टू इन प्लेस ऑफ नॉट तो आप अपना ऑप्शन पहले गेस कीजिए मैं आपको बताता जाता हूँ देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग डैश रनिंग नॉट कहीं यूज नहीं होगा इन प्लेस ऑफ वी आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग इन प्लेस ऑफ रनिंग कुछ बन नहीं रहा है ये नहीं यूज़ किया जा सकता जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी वो दो होंगे एक दैन और एक टू आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग दैन रनिंग फिर टू देखिए दैन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर आपने दैन के बारे में पढ़ा होगा Then हमेशा कब यूज किया जाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में जैसे कि ही इज बिगर दैन ही इज़ टॉलर दैन ही इज़ स्मार्टर दैन तो उस वक्त दैन का यूज किया जाता है और यहां पर तो प्रेफर लिखा गया है प्रेफर के लिए हमेशा आप प्रजिशन जो यूज करोगे वो होती है टू ठीक है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन दिस सिटी लैंड इज सोल्ड डैश यार्ड यानी कि जो लैंड है वो यार्ड पर बेची जाती है तो क्या ऑप्शन क्या प्रपोजिशन यहाँ पे सही हो जाएगी लैंड इज सोल्ड बाय यार्ड ठीक है बाय द यार्ड ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर क्यों ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि आप कभी बात करते हैं ना कि कुछ चीज़ को बेचने की जब बात आती है जब भी कोई भी चीज़ को बेचने की बात आती है किसी स्पेसिफिक यूनिट में या यूनिट ऑफ मेजर में तो हम बाय का यूज़ करते हैं जैसे कि मैं बोलूँ ऑरेंजेस आर सोल्ड ऑरेंजेस या मैंगोज आर सोल्ड बाई ड पर इस पैसे पर आपको ऑरेंजेस बेचे जाते हैं तो बस वैसा ही लिखा गया है इन दिस सिटी लैंड इज सोल्ड बाई द्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड पर मूव करते हैं द डॉक्टर्स ट्राइड देर बेस्ट बट दाइल्डर्ट डैश कोविड नाइन्टीन क्या आएगा जहां पर कौन सी प्रेपोजिशन जहाँ पर यूज की जाएगी जहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज की जाएगी वो होगी ऑप्शन सी टू स्कम्ड टू कोविड नाइन्टीन ऑप्शन सी इज the राइट आंसर देखिए स्कम्ट का मतलब क्या होता है स्कम्ड का मतलब होता है कि हार जाना या फिर घुटने टेक देना कि वो चाइल्ड कोविड नाइन्टीन के आगे उस चाइल्ड ने घुटने टेक दिए ठीक है तो मैंने आपको बताया था फिक्स प्रैपोजिशंस के बारे में कि काफी फिक्स प्रैपोजिशंस होती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू या फिर एडिक्टिड टू ये जो कुछ आ, ऐसी कुछ बहुत सारी फिक्स प्रपोजिशन होती है उनके लिए उन वर्ड्स के लिए पर्टिकुलर प्रपोजिशन यूज की जाती है यहाँ पर भी वैसा ही है दिस डॉक्टर्स ट्राइड दर बेस्ट फॉर द चाइल्ड कम्ड टू कोविड नाइन्टीन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर डिटर्मिनर के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल सिंपल है देयर वर जस्ट लाइक एनी डैश यंग कपल तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आंसर एनी अदर कपल ऑप्शन इज दी राइट आंसर ठीक है दे वर जस्ट लाइक एनी अदर यंग कपल दे वर जस्ट लाइक एनी अदर यंग कपल फिफ्थ क्वेश्चन है यू यू कांट यूज दो स्क्री ड्राइवर्स डैश ऑफ डैम इज़ सुटेबल फॉर द जॉब कि आप इनमें से कोई भी स्क्री ड्राइवर यूज़ नहीं कर सकते डैश ऑफ डैम इज़ सुटेबल फॉर द जॉब क्या बोलने की कोशिश कर रहा होगा आगे कि इनमें से एक भी इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं रहेगा इस जॉब के लिए ठीक नहीं रहेगा इन दोनों स्क्रू ड्राइवर्स में से एक भी इन जो इस जॉब के लिए सूटेबल uh, नहीं रहेगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए नाइदर इज राइट आंसर है कॉमन आर्टिकल के बेस पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉमन आर्टिकल अब हमें आर्टिकल यूज करना है रवि इज डैश इंटरेस्टिंग बॉय ही हैज डैश यूनिक पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग साउंड किसकी दे रहा है वॉवल की रवि इज एन इंटरेस्टिंग बॉय ही हैज डैश यूनिक कई लोग यहाँ पर एंड का यूज कर लेंगे लेकिन एंड यहां पर यूज नहीं होगा मैंने बताया है वर्ड्स को देख नहीं आपको किसको देख आर्टिकल यूज करना होता है हमेशा साउंड को यूनिक किसकी साउंड निकाल रहा है य की य की यानी कि कॉन्स्टिनेट की, की साउंड है तो ही इज अ यूनिक पर्सनैलिटी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फर्स्ट इज दी राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड इज डैश एम पी ही इज एन ऑनेस्ट मैन बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज डैश एम पी एम पी अब कई लोग यहां पर ए यूज कर देंगे लेकिन यहां पर एन यूज होगा क्योंकि एम किसकी साउंड दे रहा है ए की जो है वॉवल साउंड ठीक है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन यहां पर तो एन ही लगेगा ठीक है ए एन किसमें आ जाएगा ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आर्टिकल पर है शी वेंट टू डैश ज्वेलर्स शॉप एंड बॉट डैश पेयर ऑफ एयरिंग्स फॉर हर डॉटर देखिए शी वेंट टू डैश ज्वेलर शॉप अगर यहां पर सिर्फ शॉप होता अगर यहां पर सिर्फ शॉप होता या फिर आगे ये किसी एक चीज को पर्टिकुलर में देखिए क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया ड के लिए क्या होता है कंडीशन कि जब भी किसी एक चीज को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मेंशन किया जाए तब तो वहां पे आर्टिकल द यूज किया जाता है यहाँ पर भी सबसे पहले वेंट टू द ज्वेलरी ज्वेलर्स शॉप क्यों यहाँ पर डाग यूज़ किया गया क्योंकि एक तो बता रहा है कि ये पर्टिकुलर शॉप में गई जो ज्वेलर शॉप थी दूसरा ये इसके बारे में स्पेसिफिक चीज़ भी बता रहा है कि वहाँ पर जाके इसने एक पेयर ऑफ़ एयरिंग खरीदा अपनी डॉटर के लिए तो यहाँ तो ए आ जाएगा वेंट टू द ज्वेलर शॉप एंड बॉट अ पेयर ऑफ एयरिंग्स ठीक है एक पेयर ऑफ एयरिंग खरीदा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है यू नीड टू मेक डैश कॉन्शियस एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम डैश पास्ट कॉन्शियस एफर्ट सिंगुलर है ठीक है तो यहां पर कॉन्शियस किसकी साउंड दे रहा है कॉन्शियस दे रहा है कॉन्सोनेंट की साउंड तो यहां पर तो आ जाएगा आर्टिकल ए अब बात आती है टू मूव अवे फ्रॉम डैश पास्ट टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट तो कैसा बन जाएगा ये यू नीड टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये आपको वर्ब पर पूछा गया है ठीक है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सबसे अप्रोप्रियट वर्ड जो इसको फिल कर सके वो आपको सिलेक्ट करना है इंडियन स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन डैश गेड टूवर्ड्स नेशनल टूवर्ड्स नेशनल डिवेलपमेंट ठीक है क्या ऑप्शन दिए हैंज हैज बीन या है सबसे पहले एक बात देखिए यहां पर अगर हम टेंथ क्वेश्चन को देखें द इंडियन स्पेस प्रोग्राम ठीक है यह है सिंगुलर मतलब इसके आगे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नहीं होगी हेल्पिंग आगे प्लूरल नहीं होगी है भी नहीं होगा है बीन भी नहीं होगा ठीक है अब बात आती है ये सेंटेंस क्या है द इंडियन स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन डैश गियर्ड टूवर्ड्स नेशनल डिवेलपमेंट देखिए दोस्तों ये सेंटेंस है पेसी वॉइस में सेंटेंस ये ये सेंटेंस है पैसी वॉइस में तो यहां पर पेसि वॉइस के लिए क्या बोला जाता है कि आप हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हो फॉर पैसिव पेसिवाइज हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है द इंडियन स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन हैज बीन गियर्ड फ्रॉम टूवर्ड्स नेशनल डिवेलपमेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन दॉटम सरफेस ऑफ द सी आइस इज अ थिक्स लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल्स एंड माई them इन मोशन देखिए अब आप ऑप्शन पे जाइए सीधे पहले हम हैड सेट की बात करते हैं क्या हैड सेट यूज हो सकता है सेंटेंस में शुरुआत कर रहा है द बॉटम सर्कल ऑफ सी आईज इज शुरुआत तो से हो रही है यानी कि शुरुआत तो प्रेजेंट से हो रही है तो आगे आने वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट रहेगा अगर सेंटेंस पास प्रेजेंट से स्टार्ट होता है तो प्रेजेंट पे ही खत्म होता है तो हैड वाले ऑप्शंस तो सीधे कैंसिल हो गए ना सेट आएगा ना हेड सेटिंग आएगा बचे ऑप्शन दो है सेट और हैज सेटिंग है सेटिंग नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि अगर आप टेंस पढ़े होंगे अगर आपने हैज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता है हैस के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो यहां पर है सेटिंग है वो तो आई एन जी चला के नहीं होगा तो हैज सेट एक ही है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर हैज सेट सेट होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैज आ गई हेल्पिंग वर्ब ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे मूव करते हैं दे हैव बीन कॉल्ड रैट्स विद टेल्स हम्बल ईस्टर्न ग्रेस क्यूरल इज फाइनली डैश सम टाइम इन द स्पॉटलाइट आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं गेट गोइंग टू हैव गॉट या फिर ऑप्शन डी गेटिंग क्या आ जाएगा दे हैव बीन कॉल्ड रैट्स विथ टेल्स हम्पल इन गलीटिंग अब ये भी बिल्कुल सिंपल कौन से टेंस पे चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज पे क्या रूल होता है सब्जेक्ट प्लस प्लस फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आई एनजी फॉर्म तो गैटिंग आएगा यहां पर ठीक है थर्टीन पे मूव करते हैं विच टाइप ऑफ ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है डू यू वॉन्ट टी और कॉफी बिल्कुल सिंपल पूछा गया हुआ है और जब भी कोई चीज पूछी जाती है वो कौन सा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर अब क्वेश्चन पूछे गए आपको एंटोनियम पर क्या वर्ड लिखा गया है वर्ड है फ्रोशियस ये वर्ड हमने कई बार डिस्कस किया है दोस्तों ठीक है फ्रोशियस का स्नोनियम क्या होता है हमने ये पढ़ा हुआ फेरोशियस का सीनोनियम होता है कि जो बोलते हैं ना निर्देय निर्देय यानी कि क्रूएल ब्रू ठीक है तो अब हमें इसका एंटोनियम बताना है तो एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर यह होता है निर्देय तो इसका एंटोनियम उल्टा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जेंटल अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर मूव करते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सनोनियम अब हमें सनोनियम पर पूछा गया है नेक्स्ट वर्ड ठीक है सनोनियम फाइंड करना है प्रोमिसिंग का सनोनियम क्या होता है प्रोमिसिंग का स्नोनियम अगर आप ऑप्शन पर जाओ वर्थलेस होता है जिसका कोई मतलब यूज ही ना हो ये तो नहीं हो सकता कंप्रोमाइजिंग भी नहीं होगा कंप्रोमाइजिंग अलग बात होती है कि कंप्रोमाइज करो किसी के साथ होपलेस भी नहीं होगा होपलेस बोलते हैं जहाँ पे आशा ही नहीं बिल्कुल, बिल्कुल आशा ना हो उसे हम होपलेस बोलते हैं कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी ब्राइट प्रोमिसिंग का स्नोनियम आएगा ब्राइट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे मूव करते हैं ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक पर पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट स्पेलिंग जिसकी है वो बताओ बिल्कुल सिंपल वर्ड है बिस्किट्स बिस्किट्स के क्या स्पेलिंग सही होते हैं दोस्तों कौन से स्पेलिंग सही होते हैं पहले तो नहीं होते दूसरे भी नहीं होते बी आई एस सी यू आई टी एस ये होते हैं सही स्पेलिंग ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर एक और आपको स्पेलिंग मिस्टेक पर पूछा गया फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलियनियर मिलीनियर पर पूछा गया है तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा मैं आपको सीधा बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो सबसे पहला दिया गया है एम आई डबल एल आई यू एन ए आई आर ई मिलियनियर ठीक है अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पर जैसा कि मैंने आपको बताया आपको एक क्वेश्चन अनसीन पैसेज पर भी पूछा जाता है ठीक है ये अनसीन पैसेज ही आपको पूछा गया है, हुआ है पैसेज आप देख सकते होंगे ये आपके सामने पैसेज है आप इसको पढ़ सकते हैं और इसी पैसेज के नीचे इसके ऊपर तीन से चार क्वेश्चन होंगे एक दो और तीन क्वेश्चन इसके पैसेज के ऊपर हैं ठीक है तो आप मैं आपको इसकी पी प्रोवाइड कर दूँगा आप पी से इनकी जो ये पैसेज है सॉल्व कर सकते हैं इनके तीनों क्वेश्चंस जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया ऊपर तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आ, मैं आपको अभी कोशिश करूँगा कि एक और इंग्लिश पर मॉक प्रोवाइड कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये आ, आपको बाकी क्विज़ भी मिलते रहेंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्विज़ कंडक्ट कराएंगे उसके बारे में बताते रहेंगे अभी भी एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं लगभग छः दिन अभी और हैं जिनका सत्ताईस तारीख़ को एग्ज़ाम है उनकी बात कर रहा हूं मैं तो क्विज़ देते रहिए जितना एक्स्ट्रा हो सके पढ़िए और रिविज़न स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों अपनी रिवीजन से क्या होगा आपको जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको थोड़ा और अच्छे से पक्का होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है आपका डायरेक्ट किसी एक ऑप्शन पे डायरेक्ट आपका आइडिया नहीं जाता है तो उस वक्त बेस्ट क्या तरीका काम आता है एलिमिनेशन मैथड कि क्योंकि उसमें से तीन ऐप ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे जिनका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई रिलेशन रिलेशन ही ना नहीं होगा ठीक है तो ऐसी जगहों पर आपका रिविज़न बहुत ही काम आता है तो आप रिवीजन भी अच्छी तरह से करिएगा और फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में क्विज़ के साथ